दोस्तों, दुनिया में जब भी ताकतवर देशों की बात की जाती है तो उसमें सबसे पहले नाम आता है अमेरिका और रूस जैसे देशों का। लेकिन अगर आतंकवाद से पीड़ित और आतंकवादियों को नानी याद दिलाने वाले देश का नाम लिया जाता है, वो भी खास तौर पर इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित देश का, तो सिर्फ और सिर्फ जिक्र आता है इसराइल का। मिडिल ईस्ट में महज 20,770 वर्ग किलोमीटर में फैला ये छोटा सा मुल्क, जो एरिया में भारत के मणिपुर राज्य से भी छोटा है, चारों ओर से मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ है, लेकिन वो अकेला इन सबको राइट टाइम रखता है। ठीक उसी तरह जैसे अकेला शेर गिद्धड़ों के झुंड पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों, वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मुस्लिम पड़ोसी मुल्कों की बदमाशियां रौंद डालता है इसराइल, क्या है इसराइल की फर्स्ट पॉलिसी, और बेहद अमीर अरब देश भी इसराइल से थर थर क्यों कांपते हैं। तो दोस्तों, 5 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ इसराइल इनकी आंखों में किरकिरी बना हुआ है, लेकिन मजाल कि इसराइल को इनमें से कोई भी मुल्क या फिर ये सब कुछ मिलकर के भी चैलेंज करने की जरूरत कर सके, इसका राज भी आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इसराइल को देखकर इन मुस्लिम मुल्कों की छाती फटने लगती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं ये भौगोलिक स्थिति जिसमें घिरा होने के बाद भी इसराइल सीना तान कर खड़ा हुआ है, जिस बहादुरी से इसराइल अपने दुश्मन पड़ोसी मुल्कों के बीच शान से खड़ा है, वैसी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, पूर्व में भूमध्य सागर, दक्षिण पूर्व में मिस्र, उत्तर में लेबनान, उत्तर पश्चिम में सीरिया, पश्चिम में जॉर्डन, फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक इलाका इसराइल को घेरता है। दोस्तों, इसराइल के साथ सीरिया की गोलान हाइट्स, लेबनान की शेबा फार्म्स और फिलिस्तीनी इलाके जिसमें पश्चिम में गाजा और पूर्व में वेस्ट बैंक का इलाका आता है, जिस गाजा पट्टी पर इसराइल ने अपना कब्जा छोड़कर फिलिस्तीन को सौंप दिया है, वो इलाका मिस्र के करीब है और फिलिस्तीन से मीलों दूर है। दोस्तों, ओल्ड यरूशलम तो इसराइल का ही है, लेकिन उसके कब्जे वाले पूर्वी भाग को लेकर आज भी विवाद सुलझा नहीं है। और दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन में मौजूदा दौर में जो संघर्ष चल रहा है वो भी इसी का परिणाम है। यहूदी बहुल मुल्क इसराइल की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो चारों ओर से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है, जिसमें ज्यादातर पड़ोसी उनके दुश्मन हैं। इन तमाम विपरीत हालातों के बावजूद भी 80 लाख की यहूदी आबादी वाला इसराइल देश स्वाभिमान के साथ खड़ा है, जिसके खिलाफ आंखें उठाने से भी इस्लामिक देशों में बसे 150 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम डरते हैं। दोस्तों, जिस वक्त अरब देशों में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का आतंक फैला हुआ था, इसराइल का पड़ोसी मुल्क सीरिया आईएसआईएस का गढ़ बना हुआ था, तब भी आईएसआईएस की जरूरत नहीं थी कि वो इसराइल को छेड़ भी दे, क्योंकि आईएसआईएस जानता था कि अगर उसने इसराइल को छेड़ा तो फिर इसराइल उसे छोड़ेगा नहीं। इसराइल की ओर से या तो आईएसआईएस पर मिसाइलों का तूफान गरज पड़ेगा या इजरायली सेना चढ़ाई कर देगी। अपने दुश्मन को घुसकर मारने की इसराइल की यही आक्रामकता मुस्लिम मुल्कों को शतुर्मुर्ग बनाने पर मजबूर कर देती है। वो रेत में अपना सिर खपाने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इसराइल के इसी तेवर के कारण कई बार मानवाधिकार के सवाल भी उठते रहे हैं। लेकिन इसराइल फर्स्ट पॉलिसी पर चलने वाला वो मुल्क है जो इसकी परवाह कभी नहीं करता है। तो दोस्तों, दबंग इसराइल का ये रुतबा ही ऐसा है कि इसके लिए इसराइल ने कई बार कुर्बानियां दी हैं, खुद को आग में तपाकर फौलाद बनाया है। दोस्तों, बात अगर इसराइल के बनने की करें तो हिटलर से जान बचाकर यहूदी लोग इसराइल पहुंचे थे और इसराइल बनाया था। तब अरब के मुस्लिमों ने पहली बार इसराइल पर 1948 में हमला किया था। उस समय इसराइल बना ही था, ना कोई बड़ी सेना थी, ना धन दौलत और ना ही गोला बारूद, लेकिन अपनी बहादुरी के बूते इसराइल ने अरबों को 1948 में बड़ी आसानी से हरा दिया था। तब से लेकर अब तक अरब देशों ने 6 बार इसराइल से युद्ध लड़ा और इसराइल ने हर बार मुस्लिम मुल्कों को तगड़े तौर पर हराया है। दोस्तों, अगर इस बात को आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 1948 से अब तक अरब और इसराइल युद्ध में इसराइल के
22,000 सैनिक शहीद हुए तो वहीं मुस्लिम मुल्कों के 91,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इसराइल ऐसा देश है जो चारों ओर से मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ है, फिर भी किसी मुस्लिम मुल्क या आईएसआईएस या मुस्लिम आतंकवादी संगठनों की मजाल नहीं है कि वो इसराइल को छेड़ तक दें। दोस्तों, बीते बुधवार को फलिस्तीनी समर्थित आतंकवादी गुट हमास ने इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे, जिसके बाद इसराइल में 7 इसराइली लोग मारे गए। इसराइल ने इन मौतों का बदला सूद समेत लिया है। गाजा पट्टी वाले इलाके में इसराइल ने हमास को उसके घर में घुसकर मारा और उसके एरिया कमांडर बसम इस्सा को कुत्तों की तरह मारा है। कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन का खाका इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने खींचा था। मोसाद के खौफ का आलम तो यह है दोस्तों कि इसा की मौत की खबर सुनकर हमास के छुटवैया आतंकवादी दुम दबाकर जान बचाने के लिए गाजा पट्टी से ही भाग खड़े हुए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम सुनते ही दुश्मन की पुश्तों के हौसले उखड़ जाते हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली सेना का खौफ ऐसा है कि मोसाद के डर से ही किसी आतंकवादी संगठन के मुखिया, किसी मुस्लिम मुल्क के नेता की औकात नहीं है कि इजरायल की ओर नजर टेढ़ी भी कर सके। दोस्तों, 1972 में जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक में लेबनान और फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इसराइल की 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी और हत्यारे किसी मुस्लिम देश में जाकर छिप गए थे। पूरी दुनिया इस हमले से सकते में आ गई थी। इस हमले के बाद जर्मन सेना ने कार्रवाई करते हुए 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन 3 आतंकवादी भागने में कामयाब हो गए थे, जिसमें से एक इस हमले का मास्टरमाइंड भी था। इसराइल अपने खिलाड़ियों की हत्या का बदला लेने के लिए बेताब था और इस काम के लिए उसने अपने खुफिया एजेंसी मोसाद को तैनात किया। मोसाद ने रैथ ऑफ गॉड नाम से एक खुफिया ऑपरेशन चलाया और उन 3 आतंकवादियों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ढूंढकर जहन्नुम में पहुंचा दिया था। इतना ही नहीं, एक बार मुस्लिम संगठन के लोगों ने कुछ इसराइली लोगों की हत्या कर दी थी और सब फरार हो गए थे। दोस्तों, सबने अपना देश, अपना नाम और अपना हुलिया तक बदल लिया था, लेकिन मोसाद के जासूसों ने 25 साल बाद भी उन कातिलों को दक्षिण अमेरिका के एक होटल में जाकर खत्म कर दिया था। इसराइल अपने देश, अपने लोगों और अपनी विरासत पर जान छिड़कते हैं और उनके लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। यही खूबियां इसराइल को दुनिया का दबंग बनाती हैं। और इस वक्त भी जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें इसराइल ने हमास की कमर तोड़ दी है, क्योंकि इसराइल ने उसके 11 कमांडर्स को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है और साथ ही उसकी 3 बड़ी इमारतों को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। हालांकि इस दौरान हमास ने इसराइल के ऊपर 1600 से भी ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं, लेकिन उनका जवाब इसराइल के आयरन डोम ने ही दे दिया है, जिसने 90% से ज्यादा मिसाइलें वहीं पर गिरा दी हैं।